नमस्कार, मैं उनिशा, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम मौजूद है हैदर अली रोड में, जहां पे आप देख सकते हैं कि इसका तुरंत ही नाम इसका बदला गया है। आप देख सकते हैं शिलान्यास किया गया था, जिसमें लिखा हुआ है कि जिला योजना के अंतर्गत कोकर मुख्य पथ हैदर अली रोड और ब्रैकेट में बजरंग नगर लिखा हुआ है, जिसका कि शिलान्यास 23/2003 में हुआ था और 23 तारीख को हुआ था 11वां महीना में। और आप देख सकते हैं कि इसका पूरा नाम बदला जा चुका है और बजरंग नगर इसका नाम रख दिया गया है और हैदर अली नाम हटा दिया गया है। नाम सिर्फ नाम से यहाँ पे तमाम तरह की बातें हो रही हैं। आके मोहल्ले वालों से हमने बातें की, उनसे पता चला कि अब इस मोहल्ले में कोई भी मुस्लिम लोग नहीं रहते हैं, बस इसी वजह से इस जगह का नाम बदल दिया गया है। तो आइए उनसे बातें करते हैं और जानते हैं इस बारे में पूरी खबर। हालांकि आपको बता दें कि कल ही जिस संजीव विजयवर्गीय, जो कि उपमहापौर है, उनका पुतला दहन किया गया था और इससे लेकर अब हम यहाँ कुछ लोगों से बात करना है। तो आइए उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस नगर के बारे में कि आखिर नाम बदला गया तो उस पर इनकी क्या राय है। सर, अभी जो ये वर्तमान में बजरंग नगर बना है, इससे पहले ये हैदर नगर रोड हुआ करता था। क्यों नाम बदलने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये बजरंग नगर तो ब्रैकेट में था ही, शिलान्यास में हमें जैसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो इसका ब्राइड लेन नाम था, बहुत पहले 100 बरस पहले अंग्रेज लोग ब्राइड लेन नाम रखा था। उसके बाद हैदर खान गया के कमिश्नर थे, वो रांची में यहाँ आकर बस गए, तो यहाँ आपको इस मोहल्ला का नाम वो अपना नाम से प्रचलित किए। बहुत लोग मुसलमान लोगों को बसाए, 1967 के दंगा में सभी लोग बेच करके चले गए। उसके बाद तभी से हैदर अली नाम प्रसिद्ध था। यहाँ एक भी मुस्लिम घर नहीं है, केवल सब हिंदू है। और इसमें आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता था, कहीं भी जाइए तो पता चलता था कि आप लोग मुस्लिम मोहल्ला में रहते हैं। तो नहीं, मुस्लिम तो यहाँ है नहीं, तो वो तो हैदर अली नाम था, हैदर साहब के नाम पर ना। नाम में क्या रखा? नाम में रखा नहीं है, कुछ भी नहीं रखा है, बजरंग हिंदू नाम रखा गया है बजरंग नगर। आप लोग की डिमांड से? हाँ, सब मोहल्ला वाला के डिमांड से, सभी का एकजुट समूह होकर ही रखा गया है। बिल्कुल। हैं, मेरा नाम सुनील कुमार, बजरंग नगर। कितने सालों से रह रहे हैं? मैं यहाँ 30 बरस से रह रहा हूँ, मैं उषा माटी का एम्प्लॉय हूँ। यहाँ समूह, पूरा मोहल्ला का समूह हुआ, बैठक हुआ, बैठक में सब लोग आपस में विचार किया कि नहीं, ये मोहल्ला का नाम क्या रखा जाए, ये हैदर अली है, यहाँ एक भी मुस्लिम रहता तो नाम नहीं हटता। राजधानी रांची में पहली बार कोई गली मोहल्ले का नाम चेंज कर दिया, क्या कुछ कहना चाहिए? ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जो हैदर अली विलेज था तो अभी इनका नाम बजरंग नगर हुआ है। एक्चुअली क्या है कि इस मोहल्ले में एक भी मुस्लिम है नहीं और जो भी है सब हिंदू बाहुल्य है, तो ये अच्छी बात है कि ये इनका नाम बजरंग नगर हुआ है। आप लोग की डिमांड थी कि बिल्कुल बिल्कुल हमारा डिमांड था, पार्षद जी से हमारा डिमांड था कि यहाँ पर इनका नाम बजरंग नगर। यहाँ पे जो आप लोग का एड्रेस होगा वो तो हैदर नगर रोड ही होगा, इसी नाम से आप लोग की पहचान हुई होगी, सर्टिफिकेट में ये नाम होगा, नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होगी? क्या ज़रूरत था नाम चेंज करने की? नहीं नहीं, परेशानी कुछ नहीं होगी, फिर उस पर किया जाएगा, उसमें फिर वो एड्रेस भी तो चेंज हो जाता है, एड्रेस भी चेंज हो सकता है। हालांकि बजरंग नगर ब्रैकेट में था लिखा हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल, हैदर अली हटवाकर इसका मुहिम काफ़ी दिनों से चल रहा था, ऐसा नहीं है कि ये एक दिन का है। इसका मुहिम हम लोग बार बार उठाते आए हैं कि इसका नाम बदला जाए बजरंग नगर। तो हम लोग जो निवासी यहाँ के, इस मोहल्ले के निवासी हैं, उनको हम लोगों ने बताया, अपना सुझाव दिया, तो सब लोगों ने इस पर हामी भरी, तो इसका नाम बजरंग नगर हुआ। कितने दिनों से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पर 12 साल से रह रहा हूँ। आपके दादा परदादा भी यहाँ से रहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। परिचय क्या? नाम बताएं। प्रीतम आनंद।